तीन महीने तुम चुनाव ले सकते हो, 3 महीने। और अगर काउंटिंग के लिए आपको 2 दिन लगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिन लगे ऐसा लगता है क्या? अगर आप इतने ही ट्रांसपेरेंट थे तो आपने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए ऐसा क्यों कहा? एनी मैनमेड मशीन, मनुष्य का जिसको हाथ, जिसका जिस मशीन को हाथ लगता है वो मशीन मैनेज हो सकती है। 50 कोका और ये खून का सत्यानाश करने वाले, तो इनको बुलाएंगे तो लोगों में गुस्सा पैदा हो जाएगा, इनको बुलाते ही नहीं। प्रेसिडेंट का चुनाव का गिनती, वोटों की गिनती 4 दिन चल सकती है, तो भारत में 24 घंटे चली तो क्या उसमें ये है? आपको क्यों प्रॉब्लम है? इतनी क्या है कि 12 घंटे में ही सब हो जाना चाहिए, खत्म। स्मॉल वंडर्स मोंटेसरी एंड प्री स्कूल एक ऐसा प्री स्कूल है जो आपके बच्चों के दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। स्मॉल वंडर्स में बच्चों को बुक और पेंसिल से पहले चीज़ें महसूस कराई जाती है, जैसे शेप्स, कलर, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, जो कि बच्चों को सीखने और समझने में काफ़ी आसान होता है। साथ ही शूलेस बांधना, शर्ट्स के बटन, बैग के बकल्स लगाना, ये सब सिखाया जाता है। आपके बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों की पर्सनैलिटी अभी से डेवलप करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए स्मॉल वंडर्स मोंटेसरी एंड प्री स्कूल एट मिठाई वाला अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, मिलत नगर 1, अपोजिट टोरेंट पावर, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और साथ ही साथ हर पार्टी, हर नेता अपने प्रचार में लगा हुआ है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक विशेष मुलाकात सभी टीवी चैनल पर चलाई गई। इस मुलाकात में हुए भाषण का उत्तर देते हुए इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इतने दिनों तक छुपाकर क्यों रखी। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया, क्या प्रभु श्री राम ने कहा कि चुन चुन कर लोगों को आमंत्रण दो, और इलेक्शन कमीशन को इतना क्यों डर है? वीवीपैट के पर्चे गिनती करने में जितेंद्र आव्हाड का चुनाव आयोग को बड़ा सवाल। वहीं जितेंद्र आव्हाड ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल कि इलेक्शन कमीशन को इतना क्यों डर है वीवीपैट के पर्चे गिनती करने में। चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन मैनेज किया है, एक और आरोप चुनाव आयोग पर। भगवान श्री राम ने भी कहा था कि अगर इंसानों को भी शक है तो अग्नि परीक्षा से गुजर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं इस अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहता है? दोस्तों, ऐसे कई विवादित सवाल डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे, आइए सुनते हैं। पहली बात यह है कि इसको छुपाने की कोशिश क्यों हुई? अगर आप इतने ही ट्रांसपेरेंट थे तो आपने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए ऐसा क्यों कहा? किसी को भी मालूमात देने से आपने सरकार की तरफ से इनकार क्यों किया? और SBI ने भी सब पैतरे अपनाए ताकि कुछ बताया न जाए। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड साहब ने थोड़ा सा डाटा, तब जाके वो मालूमात बाहर आई। अब जब मालूमात बाहर आई तो उसे क्या सामने आया? जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने रेमडेसिविर बनाया था कोविड के टाइम, उससे उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बंदी आ गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो भी उनको परमिशन दी गई और वो भी गुजरात FDA की तरफ से दी गई। फिर पता चला कुछ राज्यों से कि उन्होंने जो इंजेक्शन्स बनाए हैं उसमें कहीं बैक्टीरिया और फंगस आया है, तो भी वो पहुँचाए गए जगह पे, हॉस्पिटल्स में दिए गए, उससे कई मौतें हुई। इतना जाइडस कैडिला के बारे में क्यों प्रेम था ये पता ही नहीं चलता था। अब पता चला कि जाइडस कैडिला ने उसी दरमियान 85 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स खरीद लिए थे। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स था क्या? चंदा दो धंधा लो, ऐसा देश चलता है क्या? ये तो देश बेचने का काम हो गया। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई चंदा देगा तो तुम क्या इधर उनको भी धंधे दोगे क्या? ये सवाल
उठता ही नहीं अगर इनकी चलती और न्याय व्यवस्था शांत हो जाती। ये तो न्याय व्यवस्था के भारत के सभी नागरिकों ने आभार मानना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और 2019 में अगर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड चलते तो शायद कई लाख करोड़ गुल हो जाते। जिस कंपनी का प्रॉफिट 2 रुपया नहीं, वो 400 करोड़ रुपये देते कहाँ से हैं? उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही नहीं 400 करोड़, वो चेक कैसे आता है? आपने गॉगल लिया लगा लिया है, इसका मतलब दुनिया अंधी नहीं होती है, दुनिया देखती रहती है, बात नहीं कर रही है कि दहशत में है, बात वो नहीं करेंगे, बात उनके वोट करेंगे, और वो भी अगर मैनेज नहीं किया तो अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में है। मैं तो सरकार से ये करता हूँ कि लगा लो ना 100% VVPAT हम गिन लेंगे। आप क्यों नहीं बोलते हो? और अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव का गिनती, वोटों की गिनती 4 दिन चल सकती है, तो भारत में 24 घंटे चली तो क्या उसमें ये है? आपको क्यों प्रॉब्लम है? इतनी क्या है कि 12 घंटे में ही सब हो जाना चाहिए खत्म? अरे 5 साल के बाद चुनाव आता है, मेरा वोट कहाँ गया? ये मुझे समझना चाहिए ना। मैं अनजान हो जाता हूँ, मैं बटन दबाया गया किधर कुछ समझ में नहीं आता है। और आए ना उदाहरण, आए ना भिंड की ये घूम रही है ना वीडियो, ये कलेक्टर ही सस्पेंड हो गया उसमें कि कोई भी बटन दबाओ तो कमल का फूल आता था। तो ऐसा क्यों होता है? अगर वो कैलकुलेटर जैसा मशीन है तो कैलकुलेटर में आप 100 100 100 100 दबाओगे तो 300 ही आएगा। ये ऐसा ये कैलकुलेटर में क्यों होता है कि 100 100 100 318? अभी मशीन अगर गलती कर रही है, अगर वोट 1 लाख गिरे हैं सब गिनती के बाद, और मशीन अगर बोलती है कि 1,027 वोट आए, तो ये 2,700 आए कहां से? एनी मैनमेड मशीन, मनुष्य का जिसको हाथ, जिसका जिस मशीन को हाथ लगता है वो मशीन मैनेज हो सकती है, और ये मैनेज हो रहा है क्योंकि VVPAT आने के बाद ही ये घोटाले शुरू हुई, शुरू में नहीं थे। ये VVPAT लाया ही गया इसलिए कि मैनेज हो सके। और 20% क्यों? अगर 100 मतदार है तो 100 मतदारों को वो चिट्ठी मिलनी चाहिए कि भाई मेरा वोट इधर गया है, तुम अनजान अंधेरे में क्यों रखना चाहते हो उसको? और ये कौन सा कारण है कि मतों की गिनती के लिए बहुत टाइम लगेगा? लगेगा तो लगेगा, देश के यानी 1% भी अगर शक आता है तो आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसा राम खुद भगवान श्री राम ने कहा था। अगर ये भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं तो अगर 1% भी एक आदमी को भी शक है तो अग्नि परीक्षा सामने है, दे दो अग्नि परीक्षा। आप राम का नाम लेते हो ना, श्री राम को आप पूरे देश में चुनावों के लिए इस्तेमाल करते हो ना, तो आप श्री राम के भक्त हो और श्री राम के तरह ही चलोगे तो फिर ये अग्नि परीक्षा दे दो। आप में आप कितने सुदृढ़ हो, आपको लोगों का कितना चुनावी बल आपके पीछे है ये पता चलेगा। आपको सामने वाले का आवाज जिंदगी भर चुप करने की आपको मौका है, ये शक के दायरे में आप भी नहीं रहोगे और ना समझी में वो भी नहीं रहेंगे। ये मौका क्यों हाथ से गंवा रहा है सरकार? इलेक्शन कमीशन ने सामने बोल देना चाहिए, आपको चाहिए ना वोटिंग की गिनती, हम करते हैं, खत्म। 3 महीने तुम चुनाव ले सकते हो, 3 महीने, और अगर काउंटिंग के लिए आपको 2 दिन लगे तो आपको बहुत ज्यादा दिन लगे ऐसा लगता है क्या? सनातन धर्म का अर्थ अगर मुझे कोई समझा दे, हिंदू धर्म ये परिवर्तनवादी धर्म है,
इसमें 5000 सालों में बहुत परिवर्तन आए। ये अचानक हिंदू धर्म को बाजू में रख के ये सनातन शब्द का इस्तेमाल कैसे होने लगा, क्यों होने लगा, कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हो आप, हमको समझाइए। हमको, हमारा कोई सनातन शब्द को विरोध नहीं है, पर सनातन का शब्द का अर्थ क्या है ये एक बार गवर्नमेंट समझा देगी पूरे देश को तो हम मान लेंगे, लेकिन शब्द का अर्थ तो समझाओ। राम मंदिर पे राजनीति बड़े पैमाने पे की गई, उसके ऊपर मोदी जी ने ये कहा राम मंदिर जिस दिन बन गया उसी दिन राजनीति खत्म हो गई, और चंद वोटों के लिए बहुत जिन्होंने जो आमंत्रण दिया गया था राम मंदिर को। देखो पहली चीज ये आमंत्रण की जो व्यवस्था थी उसके विरोध में हूं, यही बात थी कि किसको बुलाना किसको मंदिर में लेना ये तुम्हारे हाथों में नहीं है, आप कौन होते हो तय करने वाले। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका ही विरोध किया था कि आप चुन चुन के लोगों को अंदर नहीं ले सकते हो मंदिर में, प्रवेश करने का किसने प्रवेश करने का ये आपको अधिकार नहीं है बोलने का, आप कौन होते हो। राम ने कुछ संदेशा भेजा क्या कि मेरे यहाँ इन इन लोगों को बुलाओ, अरे मैं भी जा सकता हूँ, तुम भी जा सकते हो, वो भी जा सकता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देकर और कालाराम मंदिर में जाकर मंदिर प्रवेश खुला कर दिया, यही प्रथा थी ना कि हम बुलाएंगे तो आना वरना मत आना मंदिर में। 5000 साल इस देश में यही चला, मंदिर के व्यवस्थापन ने एक समाज के एक घटक को अंदर ही नहीं आने दिया, इसका विरोध है। जिसको चाहे जो मर्जी चाहे आ जाए मंदिर में, ये मंदिर उसका है, भगवान श्री राम सबके हैं। जिस आदमी ने यह रामायण लिखा वो वाल्मीकि कौन थे, ऐसा है कि भारत की महाराष्ट्र की भूमिका रही है कि दिल्ली के तख्त के सामने हम झुकेंगे नहीं, शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक, और उनकी ही मिट्टी, पैर को लगी हुई मिट्टी हमारे सीने पे है। उस सिंहासन के जो वारिसदार है कम से कम उस सिंहासन की कीमत तो पहचाननी चाहिए, कीमत पैसे में नहीं होती है, उसकी एक बड़ी कीमत है जो महाराष्ट्र की शान है। जिन्होंने दिल्ली के तख्त को कहा था कि मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, मैं आपका सेवक नहीं बनूंगा, अरे अगर अलेक्जेंडर को पोरस उस जमाने में बोल सकता है अगर मेरे से बात करनी है तो मैं भी राजा हूँ आप भी राजे हो, इज्जत से बात करो, इधर तो ये हमारे उदयन राजे ये 6 दिन दिल्ली में बैठ के दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि मुझे टिकट दो मुझे टिकट दो मुझे टिकट दो, ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं। सर महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके भाषण और उनके सभा की मांग बढ़ी है क्या, अरे उनके सभी महाराष्ट्र के जो उनके उम्मीदवार हैं चाहे किसी भी पार्टी को सबको मालूम है कि बाकी किसी को बुलाएंगे तो वोट ही कट जाएंगे क्योंकि किसी सबके ऊपर गद्दारी का थपका लग गया है, 50 खोखा और ये खून का सत्यानाश करने वाले तो इनको बुलाएंगे तो लोगों में गुस्सा पैदा हो जाएगा, इनको बुलाते ही नहीं है। सर, तुम्ही औरंगाबाद मदत करत आला आहात या